हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पुनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके लाइफ में कौन आने जा रहा है। एंड डेफिनेटली ये लव रीडिंग है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। इफ़ यू आर सिंगल, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के आप सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, तो ऑप्शंस को आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको तीन ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जिस भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आती है उस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। वन के लिए है ये वाली डेट ऑफ बर्थ 1/6/8/11/30/27/14/15/31/5 एंड 2। ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपके ऑप्शन के आगे भी दे दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आएगी, वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ऑप्शन नंबर टू के लिए है 2/3/9/17/22/13/10/26/29 और 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप ऑप्शन नंबर टू की रीडिंग। ऑप्शन नंबर थ्री के लिए है 4/25/12/16/18/19/20/21/23/24/25 एंड 28। सो ये है आपके तीन ग्रुप्स, आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है वो पर्सन जिनसे आप बहुत जल्द मिलने वाले हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा एंड क्या वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा या फिर वो रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखाने आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और टाइमिंग भी देखेंगे कब तक आ रहा है, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि वो पर्सन कब तक आ रहे हैं। यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, जोडियक साइंस भी देखेंगे ताकि आप उस पर्सन के बारे में और भी अच्छे से जान सको। एंड दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने कभी भी आती है इसे आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/8/11/30/27/14/15/31/5 एंड 2। सो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में, इट मीन्स दैट आपके लाइफ में कौन आने जा रहा है, कौन है वो पर्सन, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसी रहेगी एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, कब तक आ रहे वो पर्सन। सो स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यस, मुझे ये रिक्वेस्ट मिल चुकी है कि आप करियर के ऊपर में एक रीडिंग चाह रहे हो जहाँ पर स्पेशली फोकस हो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऊपर में, तो वो रीडिंग मैं ज़रूर लेके आऊँगी, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, we have the card of breakthrough, okay, the dream, courage। I can see अभी आप लोग अपने life में काफी ज्यादा ड्रीम्स के ऊपर में फोकस कर रहे हो, आपके गोल्स, आपके विजन, आपके जो भी लाइफ में अचीवमेंट्स आपको करने, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए इस टाइम पे आप काफी ज्यादा उस डायरेक्शन में आपका फोकस है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है लाइक बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में कुछ नया आप स्टार्ट करोगे या किसी चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे या कोई एक्शन लोगे, ठीक है, टूवर्ड्स योर गोल्स, आपकी गोल्स के प्रति, ठीक है। ये गोल आपका करियर को लेके हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए भी हो सकता है, लाइक आप चाहते हो आपकी शादी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस टाइम पे करेंट एनर्जीज की यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्टिवेट दिख रहे हो, लाइक आपका यहाँ पे एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत फोकस है आपका, नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। एंड आप लोग जो है इस टाइम पे अपने ड्रीम्स के ऊपर में फोकस हो, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस आप लोग फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, ये पर्सन जो है वो बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऑल्सो यहाँ पे एक पत्थर है, रॉक है, उसके ऊपर पेड़ या पौधा निकला हुआ है, तो यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। लाइक आपकी लाइफ में जो अभी करेंट सिचुएशन है वो आसान नहीं है, बट फिर भी आप लोग वहाँ से अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आती है। लेट मी सी अबाउट द पर्सन।
ओके, यहाँ पे आउटसाइडर का मैसेज है, तो ये जो पर्सन होंगे ना आपके लिए एक आउटसाइडर होंगे। मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, लाइक आपके सिटी में नहीं है, या फिर आपके आप इनको नहीं जानते हो, ऐसे हम कह सकते हैं। आउटसाइडर का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन किसी दूर के स्टेट या कंट्री से होंगे, ठीक है, सिटी से भी नहीं, मुझे कंट्री और स्टेट की वाइब मिल रही है, जैसे वो पर्सन बाहर से है एंड अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ द आउटसाइडर। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द मास्टर। समवेयर आपने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। मुझे जैसे होता है ना कि हम लोग अपने लाइफ में उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो जिस तरह की हमारी एनर्जीज होती है, ठीक है। मतलब एनर्जीज की बात करें तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जीज है उस तरह के चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, उस तरह के पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सो आई कैन सी कि आप जिस तरह के एनर्जीज में भी वाइब्रेट कर रहे हो उसी तरह के पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग जो है सभी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, देन ये पर्सन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले। अगर आप किसी के लिए काफ़ी जेलसी रखते हो, काफ़ी ईर्ष्या रखते हो सकता है ये उसी तरह के पर्सन होंगे। मैं यहाँ पे देख लूंगी कि वो किस तरह के पर्सन है, बट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बताई जा रही है वो ये है कि आप लोगों की एनर्जीज को मैच करते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इट मीन्स दैट आपकी एनर्जीज ने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। ओके, ये वी हैव द कार्ड ऑफ कॉम्प्लीशन। तो ऐसा हो सकता है आप लोग इस पर्सन से ना ऑनलाइन मिल सकते हो, या आप लोग कहीं पर ट्रैवल करने गए हो, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड है और वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो आप लोग कहीं ट्रैवल करने गए हो और किसी दूसरे जगह पे गए हो, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, किसी रिलेटिव के घर पे जाओ आप लोग, या किसी काम की वजह से कहीं पे जाओ, आप लोगों की चांसेस है कि वहाँ पर आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे रिसेंट प्लान बना हुआ है कि आपको किसी जगह पे जाना है, देन यू विल मीट दिस पर्सन देयर। ओके, यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए। चलिए दूसरे डेक से ही देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। What are the messages for my viewers? Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus, Scorpio, Aquarius, ये साइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल देती हूँ, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Scorpio, Taurus, Aquarius, ये हो सकता है साइन। Be bold and make the first move. Okay. समवेयर मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो पर्सन आएंगे ना वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है इस पर्सन को देखोगे कि बहुत इंट्रोवर्ट है, इनके मन में अगर फीलिंग्स भी है, ये आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपको आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे मैसेज भी करना चाह रहे हैं, इवन इन दैट केस आप देखोगे कि ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहा आपकी तरफ। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये आपको खुद से ही फील होगा कि आपको इनकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। मे बी इस टाइम पर हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी की तरफ पहला स्टेप उठाओ, तो वो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आपको बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे करेज का भी कार्ड है, सो हो सकता है कि आप बहुत ही करेजियस हो, आप बहुत ही आउटगोइंग हो, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप ऐसे तो इस सिचुएशन में आप लोग जो है वो फर्स्ट मूव लोगे, ठीक है। यहाँ पर वो सिचुएशंस वो मैसेज दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो भले ही आपको बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, इवन इन दैट केस बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे ये। वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज द की। सो न्यू मून इन जेमिनी, तो आप लोग जेमिनी हो सकते हो, लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है। एंड समवेयर यहाँ पे मुझे ये दोनों कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आप लोग जो है मिलोगे इस पर्सन से और आप लोग ही फर्स्ट मूव लोगे इसके तरफ, ठीक है। इस पर्सन से आप ही फर्स्ट टाइम बात करोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में ही बात करो, इंट्रोडक्शन देना खुद का या काम के सिलसिले में बात करना, ठीक है। बट कैसे भी हो आप देखोगे आपने स्टार्ट किया इस पर्सन से बात करने पहले, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग जेमिनी हो सकते हैं। ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। न्यू मून इन वर्गो इज हियर, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो आई कैन सी कि आप लोग जब इस पर्सन से मिलोगे उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड फील करोगे, गिविंग एनर्जीज में रहोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। समवेयर ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन जो है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हो सकता है ये थोड़े से अपने आप को गार्ड करके रख रहे हैं, ठीक है, बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम पे आप जो है ना अपने आपको इस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे पोजिशन पर पाओगे जहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, ठीक है।
वो चीज़ें यहाँ पे मुझे समवेयर दिख रही है, मतलब आप जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे सिचुएशन में, इसलिए आप ही पहले कदम उठाओगे, पहले बात करोगे, दोस्ती करोगे पहले, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग वर्गो जेमिनाई आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हो, बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, वो सिचुएशंस को संभाल लेते हो, दोस्ती कर लेते हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप दोनों पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड दो बार है, ये वाला कार्ड जो है वो भी सिक्स ऑफ कप्स है एंड ये भी सिक्स ऑफ कप्स है, सिंपली लव। ओके, न्यू वाइटलिटी, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपने इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है और ड्रीम्स कमिंग ट्रू नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये चीज़ें बता रहा है ना कि आप इस पर्सन को बहुत लाइक करोगे, आपको लगेगा कि जैसे आपने विश किया, ठीक है, और वो विश आपकी पूरी हुई। आपने बहुत, हो सकता है ऐसा भी कुछ लोगों के लिए कि आपने बहुत टाइम पहले किसी पर्सन को देखा था और सोचा था कि ऐसे पर्सन मेरे लाइफ में आने चाहिए, हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, ये वही पर्सन होंगे या फिर वैसे पर्सन हो सकते हैं, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही गुण वाले, क्वालिटी वाले ये पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे वाटर साइन, कुछ लोग फायर साइन, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले हो सकते हैं, लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुछ लोगों के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। न्यू वाइटलिटी का कार्ड है, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज ये पर्सन लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड समवेयर यू विल फील लाइक योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, इस पर्सन के साथ रह के आपको ये लगेगा कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई बिगड़ते हुए काम बन जाए, ठीक है, दूसरी चीज़ ये तो फील होगी कि आपने विश किया था इस पर्सन को, आप बहुत पसंद करोगे, वो सिंपल शब्दों में कहा जाए वो नज़र आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली होगा, सोल टू सोल कनेक्शन कह सकते हैं, ये आपके सोल फैमिली हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वो मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। सिक्स ऑफ कप्स जो है ना वो एक तरह की फैमिलियरिटी की भी बात करता है, ऐसा फील होगा आपको कि बहुत ही आराम से आप इनसे बात कर सकते हो, आप जैसे हो वैसे बात कर सकते हो, इसलिए हो सकता है कि आप पहले इनसे बात करना शुरू करोगे, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सिक्स ऑफ कप्स सोलमेट्स की बात कर रहा है, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं ये पर्सन, पास्ट लाइफ नॉट दिस लाइफ, पिछले जन्म वाले पास्ट लाइफ, ठीक है, एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है, ये पर्सन कैसे पर्सन होंगे। ऑप्शन नंबर वन के लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो कैसे पर्सन है, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड यस, एज में आपसे छोटे होंगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 साल का हो, 5 साल का हो, पर छोटे होंगे ये, ठीक है, और इसलिए हो सकता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ओके, वो चीज़ें हो सकती है, लेटर डी, लेटर ए, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, एंड काफ़ी रोमांटिक होंगे एंड बहुत सोचते होंगे। ओके, क्रिएटिव होने वाली ये पर्सन, क्रिएटिव डेफिनेटली होंगे, लाइक इनको पेंटिंग पसंद हो सकता है, म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, गाना पसंद हो सकता है या लिखना पसंद हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सेवन ऑफ वैंड्स, यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और हो सकता है आप लोग फायर साइन, ये एयर्स, वाटर साइन, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही इंट्रोवर्ट होंगे, बात करना इनको या बहुत ही गार्ड अपने आप को करके रखना इनको पसंद होगा, ठीक है, बहुत जल्दी से किसी के सामने खुलना, अपने मन को खोलना, अपने मन से बात करना, वो चीज़ें नहीं होंगी इस पर्सन के अंदर। ओके, सो इस तरह का पर्सनालिटी यहाँ दिख रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ, दिस इज द पर्सन विच इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, यू कैन सी डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है जो यहाँ पे बता, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होने वाला है। ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इनके साथ आप जो है ना बहुत ही स्टेबल फील करोगे, बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहेगा, ठीक है, इंजॉय करोगे, दोस्त के जैसा रहना, बहुत कुछ अच्छे से शेयर करना, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप इनके साथ घूमोगे फिरोगे, अच्छे मेमोरीज क्रिएट करोगे, बाहर घूमना फिरना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे, ठीक है, इनका आना कब तक होगा।
या किस सिचुएशन में आएंगे, दोनों चीजें हम देखते हैं। कॉल अ फ्रेंड टुडे, वी हैव द कार्ड ऑफ प्रॉम्प्टिंग, आई कैन सी नंबर 24 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, यहाँ पे दोनों कार्ड पे ही टुडे का मैसेज है। ओके किसी फ्रेंड से आप लोग मिलने जा रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी फ्रेंड के घर में विजिट करने गए हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, वहां पर आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, फ्रेंड के थ्रू मिलना। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ सरप्राइज, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक नए पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी फ्रेंड के साथ, अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हो या फ्रेंड कहीं बाहर रहते हैं उनसे मिलने जा रहे हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। यू हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर, ओके द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। आपकी रीडिंग बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड आए, ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, और पहले भी मेजर अरकाना कार्ड्स है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये रिलेशनशिप आपके साथ बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो टाइमिंग की बात करते हैं, तो 24 एंड 31 किसी मंथ का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ वैंड्स, ये एनर्जीज काफ़ी फास्ट मूविंग है, ठीक है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंड दोनों कार्ड्स पर टुडे का मैसेज है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ वीक्स में, 6 to 7 weeks का टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू 3 months मैक्सिमम ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स हम देखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स ऑफ ज़ोडियक साइन। आई हैव 27, सो 27 जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए कि ये पर्सन का बर्थ डेट और लिस्ट में आपका है, तो ये आपके लिए भी हो सकता है। लिब्रा, सो लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यू लेटर, डी 17, एस जी एंड वाई से नाम हो सकता है। फिर आया है 28 नंबर, सो 28 नंबर कैन बी बर्थडे इस पर्सन का। वी हैव एफ, ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए जरूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, आपकी बर्थ डेट है 2/3/19/17/22/13/10/26/29/7। दिस इज योर रीडिंग, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, कब तक आ रहा है, एंड क्या चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप, इस पर्सन के बारे में जो आपको जाननी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जिसको आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या पता चल रहा है। आई हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स, प्रोजेक्शन, सिज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर 2, आई कैन सी इस टाइम पे आप लोग जो है ना किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, ठीक है। डेफिनेटली ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, बट हो सकता है कि आप लोग किसी पर्सन को या तो लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो, या किसी तरह के पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। या हो सकता है आपका कोई कलीग है, कोई वर्क प्लेस पे आप लोग किसी से मिले हो, या कहीं पर भी किसी से मिले हो, अपने घर के अगल बगल हो, और उस पर्सन को आप लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो। बट यहाँ पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में भी हो कि उस पर्सन के लाइफ में कोई और तो नहीं है, वो पर्सन किसी और के साथ तो किसी सिचुएशन में नहीं है, किसी रिलेशन में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हो, जिसके बारे में आप लोग बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है उसको लाइक करते हो। ये एक नया कनेक्शन हो सकता है, या नया मतलब नए नए मिले हो आप लोग उस पर्सन से, कुछ महीने ही हुए वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप लोग के बीच में कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब जस्ट लाइक करते हो, जस्ट आपने देखा है, बात की है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। बट आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है, एक मिक्स स्टेट में हो कि आपको वो लाइक करता है कि नहीं, उसके लाइफ में कोई और तो है नहीं, ऐसे कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। ओके लेट मी सी आपके लाइफ में कौन आने जा रहा है, कौन है ये पर्सन जो आ रहा है। सक्सेस का कार्ड है, ओके, गिल्ट, अवेयरनेस,
हु इज दिस पर्सन, ऑप्शन नंबर टू के लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज एंजल्स गाइड करिए, ट्रस्ट, न्यू विजन. ओके, सो ऑप्शन नंबर टू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कोई ऐसे पर्सन है इस टाइम पे जिनको आप, या तो आप इनको जानते हो, मिले हो, कभी मिले हो, कभी बात किया है, कभी आपके सामने आए हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनको भी पसंद नहीं करते हो. ठीक है, आपका इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, आपका जो अटेंशन है इसकी तरफ नहीं गया है, और ये बिल्कुल आपके लिए एक सरप्राइज़ के जैसा होगा कि आपके लाइफ में ये पर्सन आए. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप किसी को लाइक तो करते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाए. ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो वो पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है, या वो किसी और रिलेशनशिप में है, या कोई और मैरिज में है. ठीक है, एंड इस वजह से हो सकता है ये बात आपको जान के थोड़ी सी तकलीफ होगी. वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट. ठीक है, और ये जो पर्सन है ना जो आपके लाइफ में आएंगे वो दूसरे पर्सन है, ये वो नहीं है जिस पे आप क्रश कर रहे हो, जिसको आप लाइक कर रहे हो. ठीक है, एंड ये एक आपके लिए डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, नॉट डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है. ठीक है, तो ये आपकी सोच में परिवर्तन लाएगा, आपका जो विजन है वो चेंज होगा. वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू विजन. ओके, ये जो पर्सन आपके लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेंगे. वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट, डिवाइन के ऊपर में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, या फिर रिस्क लेने की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि आप रिस्क ले रहे हो किसी सिचुएशन में. डिवाइन के ऊपर में ट्रस्ट करके आप रिस्क लेना सीख रहे हो, और वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो किसी भी कारण से होगा. ठीक है ना, वो आप आगे जानोगे, जब इस पर्सन से आपका मिलना होगा तब आप लोग जानोगे कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, रिस्क लेने के लिए, और समवेयर स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए. ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. आई थिंक आई विल टेक मोर कार्ड्स. क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हो. ठीक है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, एंड राइपनेस का कार्ड है. ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन चाहती है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसी अचीवमेंट हो, कोई एक ऐसी चीज़ आप लोग अचीव करो. ठीक है, कोई नाम हो, किसी से रिस्पेक्ट हो, या अपनी लाइफ में ही अपने लिए, अपनी सोल के ग्रोथ के लिए कोई एक लेवल आप लोग क्रॉस करो. ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई जॉब ही लग जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, किसी से कोई तारीफ मिल जाए, वो नहीं, वो भी हो सकता है. बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल जर्नी में आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, एंड इस चीज़ को आप रिसीव करने के लिए रेडी हो. नाउ इज़ द टाइम जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए. रिसेप्टिविटी एंड राइपनेस का कार्ड है, सो दिस इज द टाइम जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है और इनको आपने पहचाना नहीं है, बट एज आई सेड डिवाइन प्लान वर्क कर रही है, तो आप लोग बहुत जल्द इस पर्सन से कनेक्शन में आ जाओगे. ओके, एंड यस, ये आपकी ग्रोथ के लिए है, नो डाउट. बॉटम में दो कार्ड्स है, गोइंग विद द फ्लो एंड लेटिंग गो. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है, कब आएंगे, क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें ना अपने आप हो रही है, तो आप फ्लो के साथ बहते जाइए, जो चीज़ें आपके सामने आएंगी उसको रिसीव करते जाइए. ठीक है, तो ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या पता चलता है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. फुल मून इन स्कॉर्पियो, आई कैन सी कि आप लोग जो है किसी के ऊपर में ऐसे फोकस हो और आपके लिए वो पर्सन सही नहीं है. ठीक है, या कोई थॉट है जिसको आपको रिलीज करना है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसी चेन है, कोई तो एक ऐसी बात है जिसको रिलीज करनी है जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है. ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज दैट. और ये सही टाइम आ चुका है, यहाँ पे रिसेप्टिविटी एंड राइटनेस का भी कार्ड है. ये जो आप रीडिंग देख रहे हो उससे कुछ वीक्स, कुछ महीने, एक दो महीने, कुछ वीक्स, लाइक 3-4 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज़ को रिलीज करना. अगर आपने इसको रिलीज कर दिया, आपकी ग्रोथ में आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप अच्छे पोजीशन पे पहुंच रहे हो. ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और एक स्पिरिचुअल वे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे. एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो, आई कैन सी ये जो पर्सन है ना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो आपके लिए लेके आ रहे हैं. ठीक है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वे में हो, लाइक कोई जॉब है, कोई हेल्प है. ठीक है, कुछ ना कुछ उस तरह से
एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी नॉलेज को, आपकी सोचने का तरीका, आपके एटीट्यूड में बदलाव लेके आएंगे, ठीक है? तो आपको इनसे कुछ ना कुछ गेन होगा, यू विल रिसीव समथिंग. आई एम नॉट सेइंग आप एक्सपेक्ट करो कि आपको ये कुछ दे, बट ये वो दे चाहे नहीं दे, डिवाइन ने ऐसा प्लान किया, डिवाइन ने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि इसके आने की वजह से आपका कुछ ना कुछ भला हो रहा है, ठीक है ना? वो नजर आ रहा है. लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल दिस बी. आपके लिए रिलेशनशिप क्या रहेगा, कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? यहाँ पे है सक्सेस एंड ग्रोथ. एंड मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपकी ये ग्रोथ में हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ होगी, सक्सेस आएगी, ये रिलेशनशिप ऐसा रहने वाला आप लोगों के लिए. और यहाँ पे ओह माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे भी आपके लिए सक्सेस का कार्ड है. सो देखो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस दो बार है, ठीक है? ये पर्सन आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे, चाहे वो डायरेक्टली हेल्प करे, चाहे अपनी बातों से हेल्प करे, कैसे भी करे, बट करेंगे, ठीक है ना? डिवाइन ने यही सोचा आपके लिए. एंड चैलेंजिंग टाइम्स, वी हैव द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स. सो आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज का पार्ट है, चाहे वो करियर को लेके है, चाहे वो मैरिज को लेके है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, जिस भी तरह का आपका चैलेंज है, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखेंगे, सबके लाइफ में अलग अलग तरह का चैलेंज होगा, ठीक है? बट उसी चैलेंज से ये पर्सन आपको निकालने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बदले आपके बैटल को फाइट करेंगे, आपके बदले वो चैलेंज से लड़ेंगे, बट हाँ पीछे से ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे. लड़ना आपको ही है, ठीक है? मतलब लड़ने का मतलब ये नहीं किसी से भीड़ रहे हो, अपने प्रॉब्लम से लड़ना, ठीक है? वो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है. सीक द ट्रूथ, वी हैव द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ सोर्ड्स. समवेयर अपना रियलिटी को समझना शुरू कर दोगे, आपकी विजन, आपकी जो देखने का तरीका है वो बदलेगा, लोगों की रियलिटी, सिचुएशन की रियलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना? वो भी यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिख रहा है. ओके ठीक. स्प्रेड योर विंग्स एंड सैक्रल चक्रा, दोनों कार्ड्स पे नंबर 2 है. सो नंबर 22 इज योर बर्थडे, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे क्योंकि ग्रुप में है, एंड 22 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, हो सकता है कि इस पर्सन का भी बर्थडे है 22. सैक्रल चक्रा एंड स्प्रेड योर विंग्स, यहाँ पर आप लोग जो है ना अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को बाहर निकाल के लेके आओगे, ठीक है? आप ज़्यादा बोल्ड बन पाओगे. सैक्रल चक्र आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है. स्प्रेड योर विंग्स ये कह रहा है कि आप लोग जो है ना अपने मन की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाते हो और अपने लाइफ को दूसरों के हाथ में सौंप रखा है आपने, दूसरों की तरह से जी रहे हो, दूसरे जैसे बोल रहे हो वैसे जी रहे हो. तो समवेयर जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपका जो लाइफ का कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में लोगे, लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना सीखोगे, अपनी मर्जी से जीना सीखोगे और सही रास्ते पे चलना सीखोगे. ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप लोग अभी नहीं चल रहे हो, बट ज़्यादा फोकस आपका बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में, इनकी कैसी पर्सनैलिटी है, ये कौन है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं. एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देने आ रहे हैं एंड यू आर समवन जो आप रिसीव करोगे, ठीक है ना? दिस कैन बी एनीथिंग, कोई हेल्प, कोई असिस्टेंस, कोई गाइडेंस, मुंह से ही कुछ शब्द आपको बोल दिया, मोटिवेट कर दिया, वो भी बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ें ये आपको देने आ रहे हैं. फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंट्स सक्सेस की बात करता है और ये कार्ड दो बार, यहाँ पर भी सक्सेस है, सिक्स ऑफ पेंट्स का कार्ड है. मे बी आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हो, बहुत सक्सेस पाना चाहते हो, बहुत ही ग्रोथ चाहते हो आपके लाइफ में, ठीक है? तो वो चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, ठीक है? एंड ये आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले. थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन होने वाले जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ठेस खाई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है. हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहे थे पास्ट में. ओके, हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनको घर से निकाल दिया, या फैमिली से ये दूर रहते हैं, फैमिली से दूर कर दिया गया, या ये पर्सन अकेले है अपने लाइफ में, कुछ भी वैसा हो सकता है. बहुत लॉस देखा है, ठीक है? और फिर सारी हिम्मत को जोड़ के ये पर्सन खड़े हुए, तो उस तरह से ये पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं, ठीक है ना? एज अ सपोर्ट सिस्टम ये पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे और ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत दुख तकलीफ देख चुके हैं ऑलरेडी. सो वो मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए. एंड इस पर्सन के साइंस हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे सारे साइंस है. एयर साइन मुझे दिख रहे हैं, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, ठीक है? बट मैं चीट से देख लूंगी ताकि आप लोग कंफर्म हो सको, बिकॉज यहाँ पे सारे साइंस है. चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको किस सिचुएशन में मिलेंगे, किस सर्कमस्टांस में मिलेंगे, और टाइमिंग भी देखेंगे फिर कब मिलेंगे, किस सिचुएशन में मिलेंगे. प्लीज एंड जस्ट मैसेज दीजिए, हेल्प करिए. बिकम अ पीस एम्बेसडर, वी हैव
नंबर 38, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. इधर ये पर्सन कोई डॉक्टर कोई लॉयर हो सकते हैं. और अगर आपकी एज अभी थर्टीज़ में है आप लोग, लाइक 35, 36, 37 ऐसे है आपकी एज, तो आपकी एज जब 38 और 40 हो जाएगी तो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. जिन लोगों की ऐसी है, अगर आप लोग 20s में हो तो फिर आप लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज. बट जो लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपकी एज 35 है 36 है, तो आपकी एज जब 38 और 40 हो रही होगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले, ठीक है. एंड आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज, जब आपके लाइफ में कोई चल रहा होगा या किसी बीमारी से आप लोग गुजर रहे होंगे तब ये पर्सन आपको मिलेंगे. इधर ये पर्सन जो है वो कोई टीचर हो सकते हैं बाई प्रोफेशन, या डॉक्टर, या किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, ठीक है. वो चीज़ें स्ट्रांगली आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखती है. और चलिए और देख लेते हैं टाइमिंग, डेज और ईयर. सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. ये जो पर्सन है आप लोगों के लिए, एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जब सीज़न चेंज होगा, मान लो कि इस रीडिंग को आप लोग विंटर सीज़न में देख रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट सीज़न जब आएगा, मान लो समर सीज़न आना है, तो उस सीज़न में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. अगर आप लोग इसको रेनी सीज़न में देख रहे हो तो ये पर्सन आपको विंटर सीज़न में मिल सकते हैं, ठीक है. इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, जब भी नेक्स्ट सीज़न आने वाला होगा ये पर्सन आपको तब मिलेंगे. एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आने में 7 to 8 months का टाइम है, ठीक है. 7 to 8 महीने में ये पर्सन आपको आपके लाइफ में नजर आएंगे. तो ये टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिखे है. चलिए हम चिट्स से देखते हैं कि क्या पता चल रहा है, ठीक है. नेम इनिशियल डेट टाइमिंग. सो 24 एज हो सकती है इस पर्सन की आपकी. यू लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एरीज हो सकते हैं ये पर्सन. 5 नंबर जो है, या मंथ ऑफ मे एंड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नर्स हो सकते हैं कुछ लोग. वी जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एल से नेम हो सकता है इस पर्सन का. नंबर 1 मंथ ऑफ जैन आप लोग मिल सकते हो. एफ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है. के से नाम हो सकता है इनका. जे, ठीक है. वी हैव 8 and 17, तो ये बर्थ डेट हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है. तो ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है. आई होप सो आपको रीडिंग अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर. हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नंबर 3, वेलकम टू यू रीडिंग. आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 25, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 and 28. ये आपकी रीडिंग है. चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है एंड कैसे है वो पर्सन, कब तक आ रहे हैं और कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप. वो पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है. ये रीडिंग का टॉपिक है. अगर आपको किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. वीडियो को ज़रूर लाइक करिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं आपकी. प्लीज़ एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है. कौन से पर्सन आ रहे हैं उनके लाइफ में, कब तक आ रहे हैं, गाइड मी. फाइव ऑफ सोर्स, कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इस टाइम पे मुझे आप लोग फाइट करते हुए दिख रहे हो, किसी सिचुएशन से फाइट करना. किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वर्क प्लेस पे हो सकता है बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली में सिचुएशंस ख़राब है, ओके. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि यहाँ पे मैरिज की प्रॉब्लम दिख रही है. आई नो कि ये रीडिंग सिंगल्स की है बट मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो. या तो हो सकता है घर में कि कोई मैरिड कपल है, जैसे भाई आपके या बहन आपकी, उनके मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो यस हो सकता है उसके वजह से आप लोग परेशान हो, ओके. या कोई एंडिंग आपके लाइफ में आप लोग देख रहे हो, या हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, काम से निकाल दिया गया है, या कोई फेलियर इस टाइम पे आप लोग देख रहे हो. कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या कोई टावर मोमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके लाइफ में चल रहा है, जो आया है आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन लेके, मुसीबत लेके, बट आपके लिए अच्छा है, ठीक है. आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती है, एक जैसी नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. इस टाइम पे हो सकता है आपका लो टाइम चल रहा है, जहाँ पर आप लोग बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक है. लेट मी सी मोर. ट्रांसफॉर्मेशन है तो कोई बदलाव, कोई एंडिंग, एंड यस यहाँ पे एडवेंचर है. तो हो सकता है आप लोग कोई एंडिंग देख रहे हो, और बिलीव मी जो एंडिंग आप लोगों के लिए हो रही है ना
वो इसलिए कि आप लोग किसी एक नए एडवेंचर पे जाने वाले हो, एक नई चीज़ का जन्म हो रहा है. दिस इज द कार्ड ऑफ अ चाइल्ड एडवेंचर. तो किसी नई जर्नी पे आप लोग जाने वाले हो. ओके लेट मी सी वॉट. ओके यहाँ पे लेटिंग गो है. आप लोग किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, खत्म कर रहे हो उस टाइम पे. एंड खत्म करते समय आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं रखनी है, बिकॉज ये चीज़ एंड हो रही है तो एक बहुत ही अच्छा एक नया साइकिल आ रहा है. और अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ अ गुड एंड पॉजिटिव कार्ड. और ये कार्ड माँ लक्ष्मी का कार्ड है, ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत खुशियाँ या बहुत ही अच्छी चीज़ है ये एंडिंग आपके लिए. और ये जो कार्ड है ना, माँ लक्ष्मी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़, ठीक है ना. नया चैप्टर, नया फेज आपके लिए स्टार्ट हो रहा है. वी हैव द कार्ड ऑफ द बर्डन. ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग हेवी फील कर रहे हो. ओके एंड एज आई सेड लो. और मैंने आपको जस्ट यहाँ पे कहा था कि आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं चलती है, हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आता है. और यहाँ पे एक माउंटेन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. आपको यहाँ पे चढ़ना है और इस चढ़ाव में आप लोग कभी हाई कभी लो देखोगे. एंड ये कार्ड आपके लिए बता रहा है. ओके आपको किसी भी नेगेटिव पर्सन की बात को नहीं सुनना है. हो सकता है आपके लाइफ में इस टाइम पे आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, एंड कोई बहुत ही एरोगेंट पर्सन है, आपको बहुत ही कंपेयर कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके इन्फ्लुएंस में आ चुके हो. कहीं ना कहीं आपके लिए जो नेगेटिव बिलीफ है वो क्रिएट हो रहा है. ओके उस नेगेटिव बिलीफ को आपको रिलीज करना है, इस पर्सन की बात को ना सुने. ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काम कर रहे हो, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, या किसी का बोझ आप उठा रहे हो. बोझ गलत सेंस में नहीं है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत ही विकेट पर्सन जो है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है. ओके इसकी बात को आप ना सुने, बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपकी ओवर होगी, ठीक है ना. ये कार्ड जो है वो बता रहा है लाइक कोई पर्सन आपका आपके काम का क्रेडिट ले रहा है. सो डोंट वरी, आपकी टेस्ट है ये टाइम, और फिर ये खत्म होगा और आप लोग एक नई जर्नी पे जाने वाले हो, नए अच्छे एडवेंचर पे. चलिए देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है. हु इज दिस पर्सन, किस पर्सन को आप लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. वाओ द फूल. द फूल जो है ना एक नई जर्नी के स्टार्ट को दिखा रहा है. आप लोग हो सकता है इस टाइम पे किसी चीज़ को लेट गो करोगे ना, किसी चीज़ के एंडिंग को देखोगे, एक नई जर्नी पे जाओगे, ये पर्सन वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है. द फूल की एनर्जी है, नई एनर्जी की बात कर रहा है, न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है. एंड ये दोनों कार्ड जो है वही बता रहा है. सो आप लोग इस पर्सन से किसी नई जर्नी पे मिल रहे हो. इस टाइम पे आप लोग जो एंडिंग देख रहे हो ना, उस एंडिंग के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं. आप दोनों सेम एज के होने वाले हो, ठीक है. ये पर्सन बिल्कुल आपकी एज के रहेंगे. न्यू विजन. ओके यस, पुरानी चीज़ को रिलीज करके नई एनर्जीज में जाना, एंड देयर यू विल मीट दिस पर्सन. कंडीशनिंग, इस टाइम पे आप लोग बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो, चेंड फील कर रहे हो. और मुझे यहाँ दिखा रहा है ना कि ये पर्सन और आप दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो अभी लाइफ में, ठीक है. यहाँ पे वाटर में पॉलिटिक्स है, तो काफ़ी सारे पॉलिटिक्स आप लोग देख रहे हो वर्क प्लेस पे, ठीक है. और दुखी हो आप लोग किसी पर्सन की वजह से, कोई परेशान कर रहा है आपके लाइफ में. आपको इस पर्सन के लाइफ में भी वही चीज़ें चल रही है. दोनों जो है ना एक ही जर्नी पे हैं आप लोग, और उसी जर्नी में आप लोगों का मिलना हो रहा है, ठीक है. लेट मी सी और क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, जेमिनी, ऐसे साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए. आप लोग इस टाइम पे, इस टाइम टेक एक्शन का कार्ड है. न्यू मून इन एरीज, समवन कैन बी एरीज हियर, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. मे बी आपको बहुत सारे ड्रीम्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे विजन्स दिख रहे हैं, सपने दिख रहे हैं, और कुछ साइन सिंबल्स दिख रहा है, या कुछ आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए. आपको उस तरफ एक्शन लेना है. कोई भी चीज़ अगर आपको ड्रीम में दिखी है, आपको उस तरफ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ओके और एक चीज़, जैसे आप लोग कैसे समझोगे कि जो ड्रीम में दिखा है वो करना है कि नहीं करना है. एक चीज़ तो ये कि आपको अपनी विजडम का भी इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है. और कोई चीज़ अगर आपको एक बार ड्रीम में दिखे तो उसी को फॉलो करने नहीं लग जाना, ठीक है. कोई चीज़ आपको बार बार ड्रीम्स में दिख रही है, बार बार आपका ध्यान खींच रही है आपकी तरफ, आपको लग रहा है कि कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पर, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है. क्योंकि कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी मैसेज है और कौन सी एक नॉर्मल बात है. वो चीज़ आपको पहचाननी सीखनी है, ठीक है ना, कि कौन सा ड्रीम खास है और कौन सा नॉर्मल है. कंक्लूशंस आर विद इन रीच. यस, कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी खत्म होगी, एंड यू विल मीट दिस पर्सन देयर. आपका कोई टेस्ट हो रहा है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. कोई डिफिकल्ट सिचुएशन कोई पर्सन के थ्रू आपका टेस्ट लिया जा रहा है इस टाइम पे.
हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आ रहा है ऑप्शन नंबर थ्री के लिए. फॉरगिवनेस, वी हैव द कार्ड ऑफ 49, द मिस्ट्री, लव. ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़े या कोई टेंशन कुछ ऐसा हो गया है, और फिर ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एक लव रिलेशनशिप में आएंगे. हो सकता है कि इनके साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, और कहीं पर कोई टेंशन हो गया, तो आप इनको फॉरगिव करोगे और कनेक्शन जो है आपका एक नई तरीके से शुरू होगा. एंड दिस विल बी अ कनेक्शन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लव, बहुत ही ज़्यादा प्यार है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इनके साथ इंगेजमेंट, मैरिज, वो चीज़ें होंगी. ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. We have the card of fear. यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो किसी से डरे हुए हैं, किसी के बोझ में है, किसी से परेशान है. ओके, यस, यहाँ पे एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी है. किसी के साथ किसी से कोई पंगा यहाँ पे चल रहा है आप लोगों का, और उस सिचुएशन से आप लोग काफ़ी डरे हो, अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी इनसिक्योर हो. यहाँ पे जेलसी की भावना, एंगर की भावना, बदले लेने की भावना है आपके अंदर. तो आपको कहा जा रहा है, फॉरगिवनेस का मैसेज दिया जा रहा है कि फॉरगिव करिए, माफ़ी कर दीजिए, यानी माफ़ी दे दीजिए उस पर्सन को. ठीक है ना, एंड आपको आगे बढ़ना है. सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपके कुछ झंझट चल रहे हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को माफ़ करना है, किसी पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया और आप उनसे बदला लेना चाहते हो. ठीक है, तो आपको बदला लेना नहीं है, माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए. ठीक है ना, और यहाँ पर भी बर्डन का कार्ड है और यहाँ पर भी बर्डन का कार्ड है. तो आपके मन पे कोई बोझ है, ठीक है, किसी से बदला लेने की भावना, किसी से जलन की भावना, इस बर्डन को आपको रिलीज करना है. हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को. तो पास्ट के लोगों को माफ़ करना है, डर को ख़त्म करना है, बोझ को हटाना है. ट्रूथ को एक्सेप्ट करिए, जो भी ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करिए आप लोग. बर्डन, ओह माय गॉड, फिर से बर्डन का कार्ड है. कितना बोझ है आप लोगों के ऊपर में. ठीक है ना, उस बोझ को आप लोग तभी रिलीज कर पाओगे, फ्री होके तभी जी पाओगे, जिंदगी का मजा तभी ले पाओगे जब माफ कर दोगे. ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग. एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ. हो सकता है आप लोगों के पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे, उसके चलते ये पेन आपको देखना पड़ रहा है. एंड किसी से अगर आप लोग फिर से सोचोगे कि मुझे बदला लेना है, उसके साथ फिर से आपका एक कार्मिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा, और फिर आने वाले टाइम में वो चीज़ें उस साइकिल में फिर से आप लोग फंसोगे. ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो कि उस कार्मिक बॉन्डिंग, उस कार्मिक साइकिल से ख़त्म हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है या तो माफ़ी मांग लेना या तो माफ़ कर देना. जैसे ही आप लोग माफ़ कर देते हो या माफ़ी मांग लेते हो, वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाता है, वो पेन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, आप लोग फ्री हो जाते हो अपने लाइफ में. ठीक है, और इस तरह से आप लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपकी ग्रोथ होती है. ठीक है, आपने एनर्जीज को इधर उधर उलझाए नहीं, इधर उधर बर्बाद ना करें नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव लोगों के साथ. आप लोग ग्रोथ की तरफ बढ़िए. ठीक है ना, सो वो चीज़ है. लेट मी सी व्हाट एल्स ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है. थ्री ऑफ वैंड्स, टेक द लीड, सक्सेस एंड ग्रोथ, सीक द ट्रूथ. ये कार्ड्स ऑप्शन नंबर वन में भी आए थे. ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ एंड सीक द ट्रूथ, शेयर द लव, थ्री नंबर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है. ये जो कनेक्शन है ना, ऑप्शन नंबर थ्री, आप लोगों का मैरिज, इंगेजमेंट, उस तरह का कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट वाला कनेक्शन, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, तो ये कनेक्शन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फैमिली में, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा. ठीक है, मैरिज में कन्वर्ट होगा, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए. सो इस तरह का कनेक्शन यहाँ पे है फॉर, और आप लोग जो अपने लाइफ से किसी चीज़ को एंड करोगे. ठीक है, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए किसी चीज़ से छुटकारा लेके भी आ रहा है, चाहे किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हो और किसी नई जर्नी में आप लोग नहीं जा पा रहे हो, तो इस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आप दोनों बिल्कुल सेम जर्नी में हो. ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइक दो एक जैसे पर्सन मिलने वाले हैं और मिलके ही
इस लाइफ की जर्नी को पूरा करेंगे। सो यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट शादी भी हो सकती है आप लोगों की। चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या पता चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के आने की वजह से आपकी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वो खत्म होगी। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप नहीं, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उनके दिमाग में शादी और लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, ठीक है ना। वो सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना वो चीज़ें नहीं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों के लिए होगा। एस ऑफ वैंड्स एंड काफ़ी पैशन होने वाला है। ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी पढ़ाई लिखाई, काफ़ी चालाक, क्लेवर वैसे पर्सन होने वाले हैं। नाइन ऑफ कप्स, काफ़ी अबंडेंट होंगे, काफ़ी रिच, काफ़ी वेल्दी ये पर्सन होने वाले हैं, ओके। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एंकर या कोई रिपोर्टर, जर्नलिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लोग कहीं पे एडमिशन लेने वाले हो, काम का जगह बदलने वाले हो, या कहीं पे कुछ आपका शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, चेंज हो रहा है काम में, या कहीं पे घर चेंज कर रहे हो, तो इस पर्सन को वहाँ मिलोगे। काम का बदलना या कॉलेज का बदलना, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट भी बदल रहा है आप लोगों का तो भी वहाँ पर आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, ओके। ये कनेक्शन जो है वो कहाँ तक जाएगा, किस कनेक्शन का क्या मतलब है। सन, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स। सो सन का कार्ड है, एज आई सेड, बॉटम में है डेथ एंड रिवर्स। तो ये आप लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट और अच्छा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म का कनेक्शन होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। सभी के लिए मैं नहीं कह सकती कि शादी ही हो जाएगी, बट यस, यहाँ पे शादी हो सकती है। ऑल्सो आप लोगों के लिए बहुत ही लंबा कनेक्शन रहेगा, ठीक है, लाइन लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। ओके, चलिए देखते हैं ये पर्सन कब तक आपके लाइफ में कनेक्शन में आ रहे हैं, आप लोग कब तक इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। आपके लिए मिस्ट्री का कार्ड दो बार है, मिस्ट्री, ओके, वेयर इज द कार्ड, मिस्ट्री, ठीक है, दो दो बार मिस्ट्री का कार्ड है। तो बहुत कुछ आपको नहीं जानना चाहिए, बहुत सरप्राइज में भी आपके लिए प्लान कर रखा है यूनिवर्स ने। सो मे बी वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। विस्डम का कार्ड है, एक्ट विथ विस्डम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपको अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए, आप जो कर रहे हो वो चीज़ करते जाओ। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपको फंसने उलझने की ज़रूरत नहीं है। मे बी उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मे बी वो आपको अगर परेशान कर रहे हैं तो हो सकता है वो अपने आपको हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इस वजह से वो पर्सन आपके साथ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जो भी है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करिए एंड बाकी चीज़ को आप छोड़ दीजिए। एंड आई कैन सी वी हैव द कार्ड ऑफ बर्थ। सो ये आप लोगों के लिए एक नया कनेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। एंड मिस्ट्री का कार्ड समवेयर बता रहा है दैट आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जानना नहीं है इस कनेक्शन के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। ये आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरस कनेक्शन होगा। यहाँ पर भी मुझे एक ट्रेजर बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रेजर बॉक्स है। तो ये पर्सन काफ़ी वेल्दी, काफ़ी रिच होंगे एंड ये पर्सन आपके लिए काफ़ी लकी होंगे, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। लेट मी सी व्हाट एल्स, टाइमिंग के बारे में हम देख लेते हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ पे मिस्ट्री का मैसेज मिला है, फिर भी एक कार्ड मैं लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है द फूल का, तो ट्रस्ट करिए आप लोग, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी यूनियन होगी इस पर्सन के साथ, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग इंडिकेट मुझे नहीं किए गए, सो जोर जबरदस्ती में कार्ड नहीं लूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स और ज़ोडियक साइन। 16 नंबर आया है, बर्थ डेट हो सकता है, वन नंबर कैन बी बर्थडे, डी से नाम हो सकता है। वी हैव एफ, एट, एल, वी हैव 19, सैजिटेरियस, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, 31, टॉरस, नंबर 3, लियो, कैप्रिकॉर्न, यू, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है। सजेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मुझ तक पहुंच सके। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।